आप सीरत पढ़ें मुख्तलिफ कुछ पढ़े कुतुब से पढ़ें, आपकी शेयर कुतुब श पढ़ें ना तो सबसे खूबसूरत गोशा यही नजर आता है वा, 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 इस कदर खूबसूरत गोशा है आपने आला हजरत की तसनीफात को पढ़ना शुरू किया एक उती मोहब्बत एक होती गायबाना मोहब्बत जो बिन देखे सौदे होते हैं ना उनका सौदा ही कुछ अलग होता है तो बिन देखे सौदा करना आपने आला हजरत की तसनीफात को पढ़ना शुरू किया आला हजरत की तसनीफात और तहकीक देख के आला हजरत से मोहब्बत गायबाना हो गई दिल में मोहब्बत का बीज बो दिया आला हजरत से मोहब्बत शदीद मोहब्बत हो गई मुलाकात एक नहीं है दीदार एक नहीं है आला हजरत से मोहब्बत हो गई फिर हुआ कुछ क्यों कि किसी शरपसंद ने किसी बदमजहब ने आला हजरत के खिलाफ न्यूज़ पेपर में एक आर्टिकल दे दिया अच्छा आपने वो आर्टिकल पढ़ा आपकी नज़रों से गुजरा आपको शदीद सदमा पहुंचा

वहाँ के मुरादाबाद में अपने अकीदतमंद को पैगाम भेजा और कहा इस नौजवान को भी अपने साथ ले आओ वाह 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 वा। आप आला हजरत की बारगाह में गए और एक दिली तमानियत और खुशी है कि आला हजरत से मुलाकात हो रही है कि जिनकी दीद के लिए तरसी आँखें आज उनकी बारगाह में हाजिरी हो रही है आप आला हजरत की बारगाह में पहुँचे आला हजरत ने आपको सराहा आपकी इलमी काबिलियत की दाद दी और आपको अप्रिशिएट किया आप आला हजरत के इस कदर दीवाने हुए फिर कहते हैं कि हर हफ्ते हर पीर और जमेरा आला हजरत की बारगाह में हाजिरी हुआ करती थी और कहते हैं जिंदगी की रूटीन आगे पीछे हो जाती थी मामला चेंज हो जाते थे लेकिन मेरा बिस्तर कभी आला हजरत की बारगाह के लिए नहीं खुला एनी टाइम पैक रहता था हजरत का बुलावा आता था, बाँ मैं बाँ बिस्तर लेके चला जाया करता। बाँ 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 इस कदर आला हजरत से उनसीत और मोहब्बत का मामला था फिर एक और जब मैंने जैसा कि अभी पहले अर्ज किया था कि आपने जब वो किताब लिखी मौलाना अशरफ शाजली जी आपने ये किताब जो आपने इलम गैब के ऊपर लिखी थी कलीमतल उलिया ये किताब आला हजरत के पास पहुंचा दी सही आला हजरत ने जब ये किताब देखी है सुबह अल्लाह क्या कैफियत है आला हजरत ने ये किताब देख कर कहा माशाला क्या उमदा और नफीस किताब है वाह वाह और इस कम उम्री के आलम में इतने बेहतरीन दलाइल के साथ ये किताब लिख देना मुसन्फ की अकलमंदी पर दलालत करता है वाह 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 वा। अब बात ये है मैं यहाँ ठहर के जरा सिर्फ ये कहना चाहूंगा हम इस कमेंट को फील तो करें ये कह कौन रहा है ये कोई आम आलिम नहीं कह रहा ये कहने वाली जात वो जात है जो खुद पचपन पे मुकम्मल महारत हासिल है वाह 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 वा। ये वो जात है कि जो खुद एक हजार कमोपेश किताबों के मुसनफ है आप फरमा फरमारे माशाल्लाह क्या किताब जो वक्त के है। बिल्कुल ऐसा ही है आफ फरमारे बड़ी उमदा किताब लिखी है बहुत बेहतरीन टैलेंट है आपने अप्रिशिएट किया और एक और बात बहुत ही अहम है कि जैसा कि जब हम बात करते हैं ना खलीफा आला हजरत आला हजरत ने आपको खिलाफत से भी नवाजा आप मुमताज खुलाफा में से थे आप मिजाज आशना खुलाफा में से थे मिजाज आशनाई भी एक फन है मुरीदों का मंदों का आप मिजाज आशना थे आला हजरत से और आला हजरत आपके मशवरों की भी कदर फरमाते थे। आला हजरत ने एक तस्नीफ लिखी तस्नीफ लिख के बंदा अपने बड़ों को दिखाता है जी। आला हजरत ने आपको दिखाई आप ये देखें कि किस कदर एतम था आपके इलम पर आपकी काबिलियत पर आला हजरत ने शफकत फरमाई और जरा इस किताब को देखो तो सही और सिर्फ देखना नहीं है इख्तियार है हाईलाइट कर दो जो चाहते हो कि इस किताब में नहीं होना चाहिए उसे हाईलाइट कर दो आप फरमाते हैं कि मैंने ना वो किताब ली अभी मुसवदा था, अभी मार्केट में नहीं आई उस किताब में से अक्सर मजामी अक्सर मजमून आपने कहा ये नई निकाल दिया आला हजरत आला हजरत से दरख्वास्त की आला हजरत ने बिला तामुल लफ्ज ए बिला तमुल गौर फिक्र के बगैर चू चरा के बगैर डिबेट के बगैर बहस के बगैर ने फौरन वो किताब से अपना मजमून निकाल दिया Allah इस कदर आपके मशवरे को अहमियत दी है अलाजरत ये कमाल है और जब हम आपकी बात करते ना आला हजरत से कनेक्शन की आपने सदरुश्शर्या प्रोग्राम किया बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था अहमद तर्जमा कंजुल ईमान का क्रेडिट आपने सदरुशर्या को दिया बनता भी है सहरा उन्हीं के सर है, लेकिन इस सहरे में दूसरा कोई पार्टनर है आ, और उस पार्टनर का जिक्र बात यह है बरखुरदार तर्जमा तो हो जाएगा लेकिन इसकी एहतियातें बहुत है जब प्रेस लगेगा ना वो पाक साफ मशीन होनी चाहिए फिर उसका जो फुजला निकलेगा जो पानी निकलेगा जो एक्स्ट्रा फरमाया जब एहतियात देख कर आला हजरत फरमाते जब एहतियात देखकर बाहिर नामुमकिन नजर आता है तो फिर तर्जमा करने का क्या फायदा सदर शरिया की निगाह भी तो फिर कुछ देख रही थी सदुरशरिया ने दस्त बस्तर आप तर्जमा करवा दीजिए अल्लाह को ऐसा बंदा पैदा फरमा देगा जो इस एहतियातों पर पूरा उतरेगा फिर यही हुआ अल्लाह ने ऐसा बंदा पैदा फरमा दिया जो इन एहतियातों पर पूरा उतरा और कमाल की एहतियात फरमाई और वो कोई और नहीं सदर फखा उजलमा मुफ्ती नहीदीन मुरादाबादी रहने इन तमाम शराय और एहतियातों के साथ तर्जमा कंजुल ईमान पहली मरतबा आपने जो है ना छपवाया नई प्रेस लगवाई पूरा अमला उस वक्त हिंदुस्तान में उस वक्त के आलम में पूरा अमला आपने मुसलमान रखा सबको बाबुजूर रहने की तलकिन की और अपनी निगेबानी और अपनी निगरानी में पूरा कुरान पाक फर्स्ट टाइम जो है ईमान छपा है वो आपकी निगरानी और निगेबानी में छपा कमाल 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 देखें मैं तो सब ये देख रहा हूँ कि मतलब हमारे बुजुर्गों की जो दीनी खिदमत है उसमें अदब पहला करीना है बिल्कुल कहीं भी वो ऐसा नहीं कि अदब को एक तरफ रख दिया अदब को हमेशा मरहू खातिर रखा जब ही तो देखें ना आप किस तरह अल्लाह ताला ने उनके कामों में बरकत अता फरमाई कि आज तक उनकी खिदमांत नज़र आ रही हैं बल्कि अवाम अहल सुन्नत हों या दीगर ख़वास अहल सुन्नत हों सब के सब मुझसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और नज़र आ रहा है इन कि सुबह कयामत तक लोग इससे फ़ायदा हासिल करते रहेंगे